तो भाई अगर आपको भी इतने का प्रोडक्ट इतने का लेना है तो वीडियो को पूरा देख लेना, कि आज की वीडियो में आपके सारे प्रोडक्ट से मतलब चीप प्राइस में बाय करने वाले जो दिमाग में कन्फ्यूजन चल रही है ना, क्लियर हो जाएगी। और बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। सो बेसिकली जो आज की वीडियो है मतलब उसका काम यही है कि आप लोगों को बताना कि सस्ते प्रोडक्ट अमेज़ॉन से भी मिलते हैं, एंड इसमें मतलब काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स अभी आती हैं, काफ़ी सारे लोग थर्ड पार्टी काम करते हैं, पर मैं आपको कोई थर्ड पार्टी मेथड नहीं बताऊंगा, ऑफिशियल अमेज़ॉन की तरफ से जो मतलब चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में आप लोग बताऊंगा। तो बेसिकली जो ये वीडियो आएगी 3 पार्ट्स में आएगी, तो ये पार्ट वन है। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो पार्ट सेकेंड एंड थर्ड भी ज़रूर आएंगे। सो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड स्टार्ट कर दे वीडियो फिर से। सो बेसिकली आपको अगर सस्ते प्रोडक्ट चाहिए अमेज़ॉन की तरफ से, तो अमेज़ॉन की तरफ से सबसे सस्ते प्रोडक्ट मंगाने का सबसे पहला तरीका जो काफ़ी बढ़िया है, चेहरे पे पसीने को इग्नोर करना है, क्योंकि मैं अभी गर्मी बैठ के घर में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं चाहता हूँ प्रोफेशनल वीडियो बने अच्छी खासी, तो इसलिए पंखा फ़ैन एसी सब बंद रखा है। सो उसको इग्नोर करना। सो बेसिकली अगर आपको सबसे सही प्राइस में प्रोडक्ट चाहिए अमेज़ॉन से, तो आपको सबसे पहले अमेज़ॉन पर सर्च करना होगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा रिन्यूड। बेसिकली मतलब जो सा भी आपको मतलब प्रोडक्ट चाहिए, विच प्रोडक्ट यू वांट, यू कैन राइट आफ्टर दैट प्रोडक्ट रिन्यूड। आप अमेज़ॉन पर सर्च करिए, मान लीजिए बेसिकली अगर आपको साइड में आप देख सकते हैं, मुझे वन प्लस के बुलेट्स चाहिए जो वायरलेस जेड एडिशन मतलब जो आए हैं, 2000 रुपये के मतलब ऑफिशियल मिल जाते हैं अगर आप ब्रांड न्यू लेंगे वन मतलब अमेज़ॉन की तरफ से। बट अगर आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आप रिन्यूड उसके आगे टाइप करेंगे, तो बेसिकली अगर आपको 2000 रुपये के वो वन प्लस बुलेट्स जो हैं वो आपको पड़ेंगे अराउंड 1400 रुपीज़ के। अब आज का प्राइस मैं आपको 1400 बता रहा हूँ, ये 950 रुपीज़ में मैंने मंगवाए हैं एंड यूज़ किए हैं, और मतलब इसका प्राइस काफ़ी सारा मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है, ऑन द पब्लिक डिमांड पर रहता है। अगर आप अमेज़ॉन बिग बिलियन डेज में मंगवा रहे हैं, हो सकता है रिन्यूड का प्रोडक्ट 950 रुपये का भी मिल जाता है कभी कभी। सो काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे रिन्यू प्रोडक्ट क्या है भाई, ये जो रिन्यूड रिन्यूड जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब क्या है, और प्रोडक्ट क्या सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो बेसिकली आपको मैं पॉइंट वाइज समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आपको बताऊँ, तो बेसिकली आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं रिन्यूड प्रोडक्ट क्या होता है, आपको मैं बेसिकली शॉर्ट टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बेसिकली रिन्यू प्रोडक्ट वो होता है, जैसे अगर आपने ब्रांड न्यू मान लीजिए वन प्लस का फ़ोन मंगाया, मैं एग्जांपल वन प्लस का दे रहा हूँ, कोई सा भी फ़ोन जैसे सैमसंग का फ़ोन अगर आपने मंगाया है, अगर 20,000 का फ़ोन आपने मंगाया, आपने उसको अनबॉक्स कर लिया, आपको हो सकता है उसमें कुछ पसंद नहीं आया या फिर कोई प्रॉब्लम लगी छोटी मोटी, फिर आपने उसको रिप्लेस कर डाली, अमेज़ॉन वाले आएंगे चेक करेगा, डिलीवरी बॉय लेके चला जाएगा, फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो तो यूज़ हो चुका है, मतलब बेसिकली अमेज़ॉन की नज़र से सील ओपन होना भी प्रोडक्ट की वो यूज़ ही होता कहलाएगा। सो बेसिकली इस प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन अपना लॉस करने के बजाय अमेज़ॉन उसको रिन्यूड में लिस्ट कर देता है, और अगर प्रोडक्ट में कोई ख़राबी होती है तो एक्सपर्ट्स के मतलब हेल्प के द्वारा मतलब उसको रिस्टोर कर दिया जाता है उसकी ओरिजिनल कंडीशन पे। एसेसरीज जो होती हैं, ज़रूरी नहीं है आपको कि ओरिजिनल मिले, जैसे अगर मान लीजिए मैं सैमसंग का मोबाइल मंगा रहा हूँ, तो हो सकता है ज़रूरी नहीं सैमसंग की ओरिजिनल केबल मिले, बट MFI मतलब MFI तो एप्पल के लिए यूज़ होती हैं, जो भी आप प्रोडक्ट मंगाएंगे उसकी ओरिजिनल वेरीफाइड आपको एसेसरीज मिलेंगी। हो सकता है सैमसंग की तरफ से दूसरी मिल जाए, बट वो सपोर्टेड होगी उस मोबाइल पे जिस मोबाइल को आप रिन्यूड मंगा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी केबल उठा के दे देंगे अगर रिन्यूड के नाम पे। एंड उसमें एक सबसे बड़ा जो मतलब उसका कहेंगे प्रॉज या कॉन दोनों मैं समझ सकता हूँ, कि उसमें 6 मंथ वारंटी हो जाती है। अगर आप 1 ईयर वारंटी वाला प्रोडक्ट भी मंगा रहे हैं तो आपको उस पर मैक्सिमम 6 मंथ ही वारंटी मिलती है। मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट उस पर मंगा के रिन्यू ट्राई करे हैं एंड मुझे आज तक कभी डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ा। और बेसिकली डीप में बात करें तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं रिन्यू प्रोडक्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कॉपी प्रोडक्ट होता है, एंड वारंटी उस पर 6 मंथ मिलती है। बट अगर गौर करने वाली बात बताऊँ तो 6 मंथ जो वारंटी मिलती है वो स्टोर की तरफ से नहीं मिलती, ब्रांड की तरफ से नहीं मिलती। अगर आप सैमसंग का मंगाएंगे फ़ोन तो सैमसंग की तरफ से वारंटी नहीं मिलेगी, सेलर की तरफ से वारंटी मिलेगी। तो वारंटी उसकी देते हैं वो सेलर देते हैं आपको, सेलर को कांटेक्ट करके 6 मंथ की वारंटी आपको अपनी अपील करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको वारंटी मिलेगी। एंड नेक्स्ट बात करें, जो वारंटी होती है वो कम इसलिए होती है क्योंकि आपको प्राइस उसमें 50% डिस्काउंट पर मिलना है। तो बेसिकली जो रिन्यूड का फंडा अगर मैं आपको बताऊँ तो यही है कि अमेज़ॉन का भी इसमें लॉस नहीं होता है, कस्टमर का भी लॉस नहीं होता है। अगर आपका बजट कम है तो आप रिन्यू प्रोडक्ट मंगा के देख सकते हैं मतलब अगर उसका एक आपको मतलब जैसे एग्जांपल दूँ कि रिन्यू प्रोडक्ट क्या होता है, काफ़ी सारे लोग सोचने लगेंगे सेकेंड हैंड मंगा रहा है, भाई सेकेंड हैंड नहीं होता रिन्यू प्रोडक्ट, क्योंकि अमेज़ॉन को अगर आपको मालूम ही होगा 7 डेज़ की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है कोई प्रोडक्ट में,
तो जितने भी रिन्यूड प्रोडक्ट होते हैं मैक्सिमम, मतलब 100% नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम जो होते हैं वो यही होते हैं 7 डेज के अंदर लौटा देते हैं लोग। मैंने भी काफ़ी प्रोडक्ट जैसे मंगाए, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उसको अमेज़ॉन को रिटर्न कर दिया क्योंकि मुझे कलर इशू या फिर कोई इशू था। सो वही प्रोडक्ट होते हैं रिन्यूड प्रोडक्ट, तो उस पर बेसिकली आपको मिल जाती है 6 मंथ की वारंटी मिनिमम, 6 मंथ की वारंटी मिलती है, मैक्सिमम हो सकता है ज़्यादा भी मिल सकती है। जैसे अगर कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं 5 साल की वारंटी भी होती है, जिस पे पीसी बिल्ड के प्रोडक्ट्स होते हैं तो उस पर आपको 5 साल की भी वारंटी मिल सकती है। बाकी मिनिमम जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया वो आपको 6 मंथ बताया। और इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे अगर आपको मैं क्लियरली बताऊँ, जैसे अमेज़ॉन की अगर आप मंगा रहे, मान लीजिए मैंने मंगाया है HP का लैपटॉप, तो ज़रूरी नहीं है उसमें मुझे HP की बॉक्स पैकिंग में ही मिलेगा, हो सकता है मुझे कोई थर्ड पार्टी बॉक्स पैकिंग में भी मिल सकता है। बट ऐसा नहीं होगा कि उसमें बॉक्स पैकिंग अलग है तो सामान ही गायब हो गया उसके। अगर ऐसा होता भी, इन चांस अगर 1% 2% केस ऐसे होते भी हैं, तो आप क्लेम कर सकते हैं अमेज़ॉन पे, आपको उसका फुल रिफंड मिल जाएगा अगर आपके साथ ऐसा होता है, बाय चांस की बात है। बाकी वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, एसेसरीज आपको ओरिजिनल मिल जाती हैं। आप साइड में देख सकते हैं अमेज़ॉन की तरफ से जो मतलब रिन्यूड को एक्सप्लेन करते हुए पोस्ट डाली है। और बेसिकली रिन्यूड कोई अभी नया आज कल का नहीं है, काफ़ी टाइम से रिन्यूड प्रोडक्ट मतलब आ रहे हैं, बहुत टाइम हो गया रिन्यूड प्रोडक्ट आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है पता भी हो, जिनको नहीं पता उन भाइयों के लिए वीडियो बनाई है। और रिन्यूड प्रोडक्ट के बारे में मैंने इतना कुछ आपको बताया, और बेसिकली रिन्यूड प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं लोगों को, वो भी मैं क्लियर कर दूँ। सो बेसिकली काफ़ी सारे लोग सोचते हैं रिफर्बिश्ड है तो मतलब पार्ट्स चेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप आईफोन मंगा रहे हैं रिन्यूड तो उसका डिस्प्ले चेंज कर दिया। बेसिकली आईफोन तो वैसे रिन्यूड मेरे ख्याल से इंडिया में नहीं सेल होते हैं, बाकी सारे प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम अगर रिन्यूड आप अमेज़ॉन पर सर्च करेंगे तो आपको वन प्लस के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सैमसंग के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। मतलब बेसिकली आपको रिन्यू प्रोडक्ट ज़्यादा नए नहीं मिलते हैं। जैसे अगर आप सोचेंगे कि अभी नया फ़ोन लॉन्च हुआ है आईफोन 11 है, फॉर एन एग्जाम्पल, आईफोन तो वैसे भी नहीं मिलता रिन्यूड में, तो हो सकता है कल वो मिल जाए रिन्यूड, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम अगर 1 साल हो गया या फिर कुछ टाइम हो गया तो लक की बात होती है कि अगर आपने रिटर्न कर दिया तो अमेज़ॉन लिस्ट कर देता है कि हाँ भाई रिन्यूड प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं, तो उस पर आपको मिल जाएगा। बाकी काफ़ी सारे लैपटॉप्स मैंने ट्राई करे, अगर मैं सर्च करके दिखाऊं आपको स्क्रीन के साइड में देख सकते हैं रिन्यूड लैपटॉप्स। सो बेसिकली आप देख सकते हैं रिन्यूड लैपटॉप जो मतलब 80-80 हज़ार रुपये के लैपटॉप भी आपको 40 हज़ार में मिलते हैं, अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सो आपको साइड में आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, वहाँ पे आप जाके चेक करेंगे तो आपको देखिए मतलब साइड में दिख रहा होगा कि 80,000 रुपीज़ इसकी MRP लैपटॉप की, और आपको 36,999 एंड मतलब ऐसे ऐसे प्राइस में आपको मिल रहा है कि क्या बताऊँ। जब मतलब रिन्यूड प्रोडक्ट की यही स्पेशलिटी होती है कि उस पर आपको प्राइजेस काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं, क्योंकि वो मतलब बेसिकली एक तरह से कहा जाए तो रिटर्न पीस होते हैं। और रिन्यूड ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड न्यू ही हो, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा यूज्ड हो। तो बेसिकली आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैंने आपको समझाया कि 50,000 का प्रोडक्ट 25,000 में कैसे ख़रीदना है, ये फर्स्ट पार्ट है। हो सकता है आप लोग को काफ़ी सारे लोगों को रिन्यूड प्रोडक्ट मंगाने में इंटरेस्ट ना हो, तो आने वाले जो दो पार्ट्स हैं उसके ऊपर आप फोकस करिएगा, क्योंकि ये पार्ट जो है ये एक स्टार्टिंग है। और रिन्यूड भी काफ़ी बढ़िया तरीके से सेल हो रहा है अमेज़ॉन पे, ऐसा नहीं कि मतलब काफ़ी लोग नहीं मंगा रहे। आप YouTube पे और भी वीडियो सर्च करेंगे तो आपको हज़ारों वीडियो दिख जाएंगे रिन्यूड प्रोडक्ट के ऊपर। और मैंने भी आज सोचा कि आप लोग के डाउट्स क्लियर करते हुए रिन्यूड प्रोडक्ट पर वीडियो बना दूँ। सो रिन्यूड प्रोडक्ट ये होते हैं, 25,000 का प्रोडक्ट आपको 10,000 में कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी वो 20,000 में भी मिल जाता है, मतलब कि डिपेंड करता है आपकी सेल कैसी चल रही है। सो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है सेकंड पार्ट होगा, नेक्स्ट वीक तक मैं कोशिश करूँगा उसको डाल दूँ। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस रहा तो आप ज़रूर मैं उसको वीडियो को डालूँगा। बाकी जो अपने चैनल्स पे और वीडियो आ रही है वो कंटिन्यू रहेंगे, ऐसा नहीं कि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं भाई क्या हो गया वीडियो नहीं आ रही है, तो भाई वीडियो के बाद मतलब यही है कि देखो लॉकडाउन हुआ था अभी, जहाँ मैं रहता हूँ लखनऊ में रहता हूँ मैं सिटी में, सो बेसिकली लखनऊ में ऐसा है कि लॉकडाउन अभी खुला है, मतलब 2-4 ही दिन हुए हैं लॉकडाउन खुले हुए भाई, तो कहाँ से वीडियो लाएँ। ये भी तो सोचिए आप लोग, अब वीडियो बनाने के लिए भाई शॉप्स का भी तो स्टॉक आना चाहिए, अभी शॉप्स खुली कहाँ पे स्टॉक आ जाएगा जो आप लोगों को। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की, और सोनी पे और PS5 पे तो वीडियो आ ही रही हैं क्योंकि उस पर स्टॉक अपडेट होता रहता है जल्दी जल्दी, तो उस पर वीडियो आती रहती हैं। हो सकता है आज जो वीडियो आई उसके एक हफ्ते के अंदर ही अंदर एक PS5 पे वीडियो आ जाए, सो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी मैंने आज आपको थोड़ा सा मतलब लेंदी हो सकता है लगा हो जो आज मैंने आपको ट्रिक बताई है रिन्यूड मंगाने की, बट काफ़ी काम का प्रोडक्ट, अगर आप चाहें रिन्यूड में काफ़ी सारे पैसे अपने आप सेव कर सकते हैं 50,000 का प्रोडक्ट लेने बजाय 25,000 का प्रोडक्ट लेके काम चला सकते, क्योंकि मतलब बात करें अगर शॉर्ट टर्म में तो काफ़ी बढ़िया इसमें आपको प्रॉफिट हो जाता है। सो
सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बर्बन मैन को, और अगर आपको अच्छी लगी वाली वीडियो तो इसको भाई लाइक कर दीजिएगा। इस मेहनत के पसीने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट कमाल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड एडियोस।